से चल। ससुराल में रह रहे एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर निर्मम हत्या। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल। थानगांव थाना क्षेत्र में हुए मर्डर के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप, कहा कि मृतक की कुछ दिन पहले साले से हुई थी लड़ाई। घटना स्थल पर पहुंचे सीतापुर पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार तथा एडिशनल एसपी महेंद्र सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के थाना थानगांव क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते ससुराल में रह रहे एक युवक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के पिता ने कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने की कोशिश की। मृतक के पिता ने गले में रस्सी कसकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों ने उन्हें वहां से उतारकर उनकी जान बचाई। रेउसा थाना क्षेत्र के ग्राम मधवापुर निवास राकेश कुमार उम्र 34 वर्ष पुत्र छब्बा की शादी थानगांव थाना क्षेत्र के इसरौली गांव निवासी गया प्रसाद पुत्र केदारी की पुत्री मुन्नी देवी से हुई थी। गया प्रसाद की केवल 3 बेटियां थीं, जिसमें से एक की मौत हो गई थी। शेष दोनों बेटियों की शादी गया प्रसाद ने कर दी थी। 5 साल से गया प्रसाद के दोनों दामाद उसकी बेटियों के साथ उसके घर में ही रह रहे थे। वर्तमान समय में गया प्रसाद बाबा बैजनाथ धाम की यात्रा पर गए हुए हैं। घर में गया प्रसाद की पत्नी व दोनों दामाद और उसकी बेटियां रह रही थीं। बीती रात राकेश गांव के अन्य लड़के के साथ घर के बाहर पड़े छप्पर के नीचे सोया हुआ था, जब रात के 2:30 बजे उसकी पत्नी मुन्नी देवी की आंख खुली और उसने बाहर निकलकर देखा तो राकेश मृत पड़ा हुआ था। पति की हत्या हुई देखकर वह शोर मचाते हुए रोने लगी। रोने बिलखने की आवाज सुनते ही मृतक की सास व आसपास वाले ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर थाना अध्यक्ष थानगांव पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। उन्होंने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को देते हुए पड़ताल शुरू की। घटना की खबर होते ही एडिशनल एसपी महेंद्र सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक एलआर कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे और जानकारी ली। जब हमारे संवाददाता ने वहां के लोगों से बात की तो पता चला कि यह घटना देर रात की है। उस समय परिवार के लोग घर में सो रहे थे, जिसमें 3 लोगों को नामजद किया गया है। इस घटना का मुकदमा लिखा गया है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर विवेचना की जाएगी। हुई आपके पति थे, आपका क्या नाम है? किस तरीके से मर्डर हुआ कुछ पता लगा आपको? जान नहीं है साहब। आप यहाँ पे थी, कहाँ थी, सो रही थी? घरे पहुँचे रहे, बोले घरे पहुँच रहा। किस तरीके पता चला? किस तरीके से पता चला आपको? कब पता चला? ये सीबीआई अरे हुई है उदी बजे रात के लिए घरे साफ फिर आई तब जान पाई। आपके ससुराल वालों से किसी तरीके से कोई झगड़ा है? हाँ झगड़ा तो नहीं है साहब, कोई से नहीं। तो आप ससुराल यहाँ मायके में थी? ससुराल में मायके में थी। कितने सालों से आपका पति यहाँ रहता है? रही दादा ना है, बाप मार के नहीं, भाई वही ना है तो कहूँ महीना खान 2 महीना तो ना रही थी, दादा रही तो ना ही। आज आपका कोई पकड़ के ले गया था यहाँ से? हाँ पकड़ तो कोई नहीं ले गया। वो लोग लेते किस तरीके से? ये रात का घटना है, इसमें ये पीड़ित का गला काटा गया है और इनके घर के अंदर ये सो रहे थे, बाहर सो रहे थे, उनके घर के अंदर भी कोई परिजन सो रहे थे और पुलिस आने के बाद अवश्य पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा मुकदमा लिखा जा रहा है और टीम गठित कर इसको अनावरण करने में प्रयास लगी हुई है।